जीवन में क्षेत्र कोई सा भी हो, अगर आपको क्षेत्र में ऊंचाई और बुलंदियों को छूना है तो सबसे पहले मानसिक तनाव को खत्म करना होगा। मानसिक तनाव अगर खत्म होगा तो ही आदमी ऊर्जा, बेहतरीन इच्छा शक्ति के साथ सफलता के मुकाम को अर्जित कर सकता है और ऊंचाई बुलंदियों को पा सकता है। मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए जहाँ प्रातःकालीन की शुरुआत में ही होने वाली क्रियाओं से काफ़ी हद तक मानसिक तनाव खत्म होता है और उसी को लेकर सेवाधाम आश्रम में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग और निराश्रित लोग निवास करते हैं और प्रातः काल उठकर सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज सहित धार्मिक ग्रंथों के इस लोक गायन और विधि विधान के साथ विश्व कल्याण की भावना, विश्व का भला हो की प्रार्थना करते हैं। इन सैकड़ों बच्चों और मुकबधिर जनों का कहना है कि हमको अगर स्वस्थ, निरोग और मजबूत रहना है तो सबसे पहले मानसिक तनाव को खत्म करना होगा और मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित योग गायन और धार्मिक ग्रंथों का वाचन करना अति आवश्यक है और तभी जाकर मानसिक तनाव खत्म होगा और आप निरोग रहकर अपने जीवन के लक्ष्य को, जो प्राप्ति, जो मंजिल पाना चाहते हैं, उसे अर्जित करना चाहते हैं, उसे आप पा सकते हैं और बुरे वक्त को जीत सकते हैं। का सहारा लेना है। सेवाधाम आश्रम की शुरुआत सुबह 6:45 के लगभग जब सूर्योदय होता है अग्निहोत्र से होती है, फिर प्रार्थना होती है, सर्वधर्म की प्रार्थना होती है और हम संपूर्ण जगत की खुशहाली के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए, मंगलता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हमारे बच्चे गीत, संगीत, भजन गाते हैं और आनंद के साथ संपूर्ण दिन व्यतीत होता है। हमें यहां महसूस ही नहीं होता है कि कोरोना के कारण हम कठिनाई में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमने पूर्ण सजगता रखी, लॉकडाउन रखा है, यहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश किसी भी वार्ड में निषेध है। उज्जैन कलेक्टर जी के कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने 110 वृद्धजनों को 2 टीके लग चुके हैं और जो बचे हुए हैं करीब 300 से ज्यादा, उनके लिए शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक भाव रखिए और परस्पर सहयोगी बनिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए। उनको कोई अकेला है, उसको मोबाइल से बात करिए, उसको बोलिए मैं साथ में हूं आपके, आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ में है, हमारे चिकित्सा जगत आपके साथ में है। इस समय जो भी लोग कोरोना के समय जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक सद्भाव। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।